कितने अमीर हैं शशि थरूर, कितना पैसा है शशि थरूर के पास, कितनी संपत्ति के मालिक हैं थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के धुरंधर नेता, विद्वान, डिप्लोमेटिक कुशलता के धनी, स्तंभकार, लेखक, विचारक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के दावेदारों में बान की मून के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले शशि थरूर बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। ये राजनीति जगत की वो शख्सियत हैं जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने भी जाते हैं और अक्सर उसी वजह से कई बार विवादों में भी घिर जाते हैं। शशि थरूर के सामाजिक जीवन के बारे में आप बहुत कुछ जानते और पढ़ते आए होंगे, लेकिन आज कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर के उन तमाम व्यक्तिगत पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि नपे तुले लेकिन तीखे प्रहार करने में माहिर शशि थरूर कितने रिचिरिच हैं और उनके परिवार के पास कितनी संपत्तियां हैं। शशि थरूर का जन्म 1956 में लंदन में हुआ था। उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका से शिक्षा ग्रहण की। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास विषय में ग्रेजुएशन के बाद 1975 में उन्होंने यूएस की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से लॉ एंड डिप्लोमेसी में भी स्नातक की डिग्री हासिल की। यहां उन्होंने एमए और एमएएलडी भी की। फिर 1978 में फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में उन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपनी पीएचडी पूरी कर ली। थरूर संयुक्त राष्ट्र में 29 साल तक कार्यरत रहे हैं। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए दावेदारों में वे दक्षिण कोरिया की बान की मून के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में उन्होंने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव जीता। 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी उन्हें जीत मिली। 2019 के चुनाव में नामांकन पत्र भरने के साथ उन्होंने जो हलफनामा दायर किया था उसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई थी। उनकी कुल संपत्ति में से उनके पास 34,22,585 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि थरूर के पास 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। शशि थरूर की आय की बात करें तो इस हलफनामे के मुताबिक उन्होंने साल 2017-18 में अपनी कुल आय 3,66,21,978 रुपए बताई थी। नामांकन दायर करते समय उनके पास 25,000 रुपए कैश भी था, जबकि एडीआर के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनके 12 अलग अलग बैंक खातों में 5,88,93,996 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब संभावित बढ़त या घटत भी हुई होगी। थरूर के मुताबिक उनकी कमाई का स्रोत लोकसभा सदस्य के रूप में आने वाली सैलरी, यूनाइटेड नेशंस से पेंशन और किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी है। शशि थरूर की सेविंग्स की बात की जाए तो 2019 के हलफनामे के मुताबिक उन्होंने 28 अलग अलग शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 15,32,66,871 रुपए का कुल निवेश है। शशि थरूर की कुल संपत्तियों में उनकी खेतिहर भूमि भी शामिल है। उनके पास केरल के पलक्कड़ में 5,00,000 रुपए कीमत की खेतिहर भूमि है, जबकि उनके पास केरल के ही तिरुवनंतपुरम में एक आवास भी है जिसकी कीमत उस समय हलफनामे में 95,00,000 रुपए बताई गई है। शशि थरूर के पास गाड़ियों की बात करें, दायर हलफनामे के मुताबिक उनके पास 2 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक गाड़ी मारुति सियाज जबकि दूसरी गाड़ी फिएट कंपनी की है। शशि थरूर के पास 1,142 ग्राम का सोना भी है, जो उनके पास अलग अलग स्वरूप में मौजूद है। उस वक्त तक उनके कुल गोल्ड की कीमत 38,01,718 रुपए बताई गई थी। इसके मूल्य में अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से बढ़त भी संभव है। शशि थरूर भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जो निडरता से अपनी बात पूरी प्रखरता से रखते आए हैं। वो चाहे 2013-14 में मोदी के एक बयान की प्रशंसा हो या अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना हो, इसके लिए वे कभी अपनों के निशाने पर आए तो कभी विरोधी दलों के। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।